नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत करते हैं हम गुरु कृपा कंपटीशन चैनल में। दोस्तों, आज सेकंड ग्रेड भर्ती 2018 की जॉइनिंग से संबंधित एलडीसी जॉइनिंग संबंधित सरकार ने आदेश जारी कर दिए गए थे। जिला आवंटन भी हो गया था, लेकिन सेकंड ग्रेड भर्ती 2018 के कई अभ्यर्थी लगातार ट्विटर हैंडल पर कमेंट कर रहे थे, तो शिक्षा मंत्री जी ने जॉइनिंग के आदेश दे दिए गए हैं। आरपीसी और शिक्षा विभाग लगाया तैयारी में, अभ्यर्थियों में छाई है खुशियों के लिए। दोस्तों, हम इस खबर की ओर चलते हैं। उससे पहले, अगर आप इस चैनल में हमारे नए मेहमान हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को आइकन को दबा देना, जिससे हमारे द्वारा किया गया प्रयास सबसे पहले आपके पास पहुँचे। दोस्तों, चलते हैं खबर की ओर। ये खबर आप देख सकते हो, आरपीसी को लिखा पत्र, 9000 बेरोजगारों को जल्द मिलेगा नौकरी का तोहफा। ये प्रत्येक सब्जेक्ट के पद हैं जो सभी जान रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको डोटासरा जी का बयान दिखा देता हूं। ये जल्द देंगे नियुक्ति, विभाग द्वितीय श्रेणी शिक्षक पदों पर जल्द नियुक्ति करने के लिए जुटा हुआ है। गोविंद सिंह डोटासरा, शिक्षा मंत्री। डोटासरा जी कल सीकर आए थे, सीकर में उन्होंने ये बयान दिया था। बहुत ही बड़ी खुशी की बात है, तो सेकंड ग्रेड की जॉइनिंग जल्दी होने वाली है। अब किन कारणों से ये भर्ती अटकी हुई थी और सरकार इन कारणों से कैसे निजात पाएगी, वो भी अब आपको बता दें। दोस्तों, ये पेयर सुलझाने में जुटा है शिक्षा विभाग। पूर्व सैनिकों पर शीघ्र सुनवाई। जो पूर्व सैनिक, जो भूतपूर्व सैनिक है, उनका मामला चल रहा था। पूर्व सैनिकों के पदों पर मामला न्यायालय में विचाराधीन है। शिक्षा मंत्री ने अधिवक्ता को पत्र लिख दिया है कि जल्द सुनवाई की आस है। जो महाधिवक्ता है उनको पत्र लिखकर जो भी सुनवाई है वो शीघ्र की जाए, और जो हिंदी और सामाजिक ज्ञान के जो फार्म बचे हुए थे उनमें शिक्षा मंत्री ने लोक सेवा आयोग को पत्र भेजा है। अगले सप्ताह तक चयनित अभ्यर्थियों के विस्तृत आवेदन फार्म मिलने की संभावना है। जितने भी फार्म हैं वो सारे फार्म बीकानेर भेज दिया जाएगा। अटकी जांच प्रक्रिया पूरी होगी। इस महीने के अंत तक सभी चयनितों के आवेदनों की जाँच के बाद मंडल आवंटन की प्रक्रिया पूरी होगी। तो दोस्तों, इस प्रकार ये अगर ये प्याज सुलझाने में पूर्व सैनिकों पर जो कार्रवाई हो रही है, अभी आपको मालूम है लॉकडाउन, सरकार अर्जेंट जो मामले होते हैं वही न्यायालय सुन रही है, तो इसमें टाइम लग सकता है। तो सरकार ने इसका भी रास्ता निकाला है। चलते हैं खबर की ओर। प्रदेश के 9000 बेरोजगारों को जल्द नौकरी मिल सकती है। द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के राह में आ रहे पेच को सुलझाने के लिए शिक्षा मंत्री ने आरपीएससी में महाधिवक्ता को पत्र लिखा है। शिक्षा विभाग के ये पास राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज आते ही जाँच प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके बाद चयनित अभ्यर्थियों को मंडल आवंटित किए जाएंगे। इस पूरी कवायद को देखते हुए माना जा रहा है कि यदि न्यायालय से भर्ती को हरी झंडी नहीं मिली तो अस्थायी आधार पर मंडल आवंटित होंगे और जॉइनिंग भी दी जाएगी। दोस्तों, न्यायालय में जो भर्ती है वो विचाराधीन रह सकती है और सरकार चाहे तो जॉइनिंग दे सकती है। आगे भी ऐसा कई बार हुआ है। तो अब जल्द ही सेकेंड ग्रेड को जॉइनिंग मिलने के पूरे आसार लग रहे हैं। दोस्तों, अब आपको इससे संबंधित कोई जानकारी लेनी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और इससे पहले मैंने आपको जानकारी दी भी थी, जो दो दिन पहले वीडियो मैंने डाला था। दोस्तों, अभी लॉकडाउन है, इसमें सोशल मीडिया ही वर्तमान में, तो इस वीडियो को इतना शेयर करो। और इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लगातार इस खबर को लेकर आप शिक्षा मंत्री जी को अच्छे ट्वीट भी करो, उनको बधाई भी दो, उनके साथ उनके नज़र में रखो, जिससे आपको भी एलडीसी की तरह जल्द ही तोहफा मिल जाए। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।